Hello, hi and welcome to my channel Sam Study. Today we are going to study about world's top 10 richest man के list जो कि Forbes ने निकाला है 2020 का. इसको हम billionaire index 2020 भी कहते हैं. पहले हम Forbes के बारे में पढ़ेंगे. Forbes एक American business magazine है जिसको found किया था BC Forbes ने September 15, 1917 में. फोर्स फीचर्स ओरिजिनली आर्टिकल्स. वो आर्टिकल निकालता है किसके बारे में, फाइनेंस, इंडस्ट्री, मार्केटिंग एंड बहुत सारे आर्टिकल निकालता है. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि फोर्स हर साल 8 आर्टिकल निकालता है. उसका एडिटर चीफ जो अब के हैं वो है स्टीव फोर्स. फोर्स का हेड क्वार्टर जो कि न्यू जर्सी अमेरिका में स्थित है. 2018 में ये इंडेक्स एक रिकॉर्ड किया था जो कि 2208 लोगों को लेकर उन्होंने लिस्ट निकाली थी जिसमें से 259 न्यू कमर्स थे और 256 जो कि महिलाओं ने इसमें शामिल हुए थे. 26 साल तक फर्स्ट प्लेस में रहने वाले जो कि माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया था जो कि अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस ने 2018 के बाद फर्स्ट प्लेस में थे. इस लिस्ट के 10वें स्थान पर सरजी मिखालोविच ब्रिन है जो कि अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट और इंटरनेट एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने लैरी पेज के साथ मिलकर गूगल का निर्माण किया था. उनका जन्म मस्को जो कि रूसिया में स्थित है 21 अगस्त 1973 में जन्म लिया थे. उनका नेटवर्थ $65.8 बिलियन है. इस इंडेक्स के 9वें स्थान पर लैरी पेज हैं जिन्होंने सर्जी ब्रिन के साथ मिलकर गूगल की फाउंड की थी. वो एक अमेरिका के इंटरनेट एंटरप्रेन्योर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. उनका जन्म यूनाइटेड स्टेट में 26 मार्च 1973 में हुआ था और इनका नेटवर्थ जो कि $67.6 बिलियन है. इस इंडेक्स के 8वें स्थान पर वॉरेन एडवर्ड बफेट हैं जो कि बर्कशायर हाथवे कंपनी के CEO हैं. वो एक इन्वेस्टर और बिजनेसमैन है. उनका नेटवर्थ जो कि $69.6 बिलियन है. उनका जन्म अमेरिका में 30 अगस्त 1930 में हुआ था. इस इंडेक्स के 7वें स्थान पर मुकेश धीरूभाई अंबानी हैं जो कि केवल भारतीय हैं जो कि इस इंडेक्स में आते हैं. उनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को हुआ था. वो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और MD हैं जिनका नेटवर्थ $71.8 बिलियन है. इस इंडेक्स के 6ठे स्थान पर स्टीवन एंथोनी बाल्मर हैं जो कि एक अमेरिका के बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं. उन्होंने वर्ष 2000 से लेकर 2014 तक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO बने रहे. उनका एज 64 साल है. उनका नेटवर्थ $72.4 बिलियन है. इस इंडेक्स के 5वें स्थान पर लैरी एलिसन है जो कि ओरेकल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं. उनका जन्म यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क में हुआ था. उनके कंपनी का नेटवर्थ जो कि $73.2 बिलियन है. इस इंडेक्स के 4थे स्थान पर मार्क एलियट जुकरबर्ग हैं जो कि अमेरिका के इंटरनेट एंटरप्रेन्योर हैं. उनका जन्म यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क शहर में 14 मई 1984 को हुआ था जो कि फेसबुक के फाउंडर और CEO भी हैं. उनका नेटवर्थ $88 बिलियन है. इस इंडेक्स में वो सबसे कम एज के हैं. फॉर लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल क्यूट्स यू ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आज मोटिवेटर संबित. इस इंडेक्स के 3रे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन और फाउंडर जो कि बिल गेट्स हैं. उनका नेटवर्थ $111.6 बिलियन है. इस इंडेक्स के 3रे स्थान पर विलियम हेनरी गेट्स 3 हैं जो कि एक अमेरिका के सॉफ्टवेयर डेवलपर और इन्वेस्टर हैं.
बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के कोफाउंडर हैं, उनका जन्म यूनाइटेड स्टेट के वाशिंगटन शहर में हुआ था, जो कि 28 अक्टूबर 1955 को हुआ था। उनका नेटवर्थ 11,570 करोड़ डॉलर है। इस इंडेक्स के दूसरे स्थान पर LVMH कंपनी के चेयरमैन बर्नार्ड आर्नोल्ट हैं। इन्होंने इस कंपनी को 33 साल पहले बनाया था। 71 साल के आर्नोल्ट, जो कि एक फ्रेंच बिजनेसमैन है, जिनका नेटवर्थ 111.8 बिलियन डॉलर है। यह कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी गुड्स कंपनी है। इस इंडेक्स के पहले स्थान पर अमेज़न कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस हैं। उनका नेटवर्थ 183.9 बिलियन डॉलर है। इनका पूरा नाम जेफरे प्रेस्टन बेजोस है। ये एक अमेरिका के इंटरनेट एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर हैं, जो कि सीईओ और फाउंडर हैं अमेज़न कंपनी के। इनका जन्म 12 जनवरी 1964 को न्यू मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। इनका नेटवर्थ 19,410 करोड़ यूएस डॉलर है। एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से है आप सभी को, जब भी हमारा वीडियो देखें कंप्लीट देखा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।